नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको जब भी समय मिलता है मंगलवार के दिन, आप इन शब्दों को मन ही मन बोलते रहें। आपका कैसा भी शत्रु होगा, उसका नाश होगा। यदि वो कोई मनुष्य है, आपका पड़ोसी, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई भी व्यक्ति जो छुपे शत्रु होते हैं, जिनका आपको पता भी नहीं होता। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, जो अंदर ही अंदर आपके बारे में नेगेटिव विचार रखते हैं, जो अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ रहे होते हैं, जो आपको कहीं से पसंद नहीं करते। फिर भी कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस होते हैं कि उनको आपके साथ रहना पड़ता है। ऐसे शत्रु जिनका आपको पता भी नहीं चलता और वो आपको धोखा दे देते हैं। नौकरी में आपके सहकर्मचारी, परिवार में कोई ऐसा मेंबर जो अंदर ही अंदर आप पर जलता हो। आस पड़ोस में कोई ऐसे लोग जो खुले आम आपसे दुश्मनी कर रहे हैं। आपके खुद के कुछ ऐसे लक्षण, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है, किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी अच्छा हुआ ईर्ष्या करने लग जाएंगे। कोई व्यक्ति थोड़ा भी आगे बढ़ रहा है तो उन्हें ईर्ष्या होगी, जलन होगी। अब ये ईर्ष्या और जलन में फंस करके इंसान उसका बुरा करने जाता है, जिससे वो ईर्ष्या करता है, जलन करता है। बुरा उसका नहीं होता या उसका नहीं जैसा ही बुरा होता है, लेकिन जो वाइब्स आपने उसको दी है वही लौटकर आपके पास आती है, तब आप कहीं के नहीं रह जाते, है ना? तो जो आपके अंदर लक्षण है ईर्ष्या करने के, जलन करने के, कई लोगों को मोह बहुत ज्यादा होता है ना? मोह में आदमी अंधा हो जाता है। ये मोह, ये भी आपका दुश्मन है। कई बार इंसान बिना वजह ही धर्महीन काम करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ और लालच नाम का शत्रु बैठा होता है, जो उससे गलत कर्म करवाता है। कई बार इंसान का मोह उसे चरित्रहीन बना देता है। जब व्यक्ति एक काम बुरा करेगा, आप देखना दोस्तों, एक बुरा कर्म आपसे दूसरे 10 बुरे कर्म अपने आप करवाने लग जाएगा। आप चोर बन जाएंगे, दगाखोर बन जाएंगे, झूठे बन जाएंगे। जब भी आप गलत काम करेंगे, उसको छुपाने के लिए दूसरे 10 कुकर्म करेंगे। मतलब ये वो दलदल है जिसमें यदि व्यक्ति एक बार गिर गया तो कभी बाहर नहीं आता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर के शत्रुओं का नाश करें, साथ में अपने अंदर के शत्रुओं का नाश करें। घर को, परिवार को, समाज को, देश को कुछ अच्छा देकर के जाएं। जो चीज आप इस दुनिया को देंगे वही आपको वापस मिलने वाली है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में डाल दो। मंगल जब आपके कमजोर बनते हैं, नीच के होते हैं, तो व्यक्ति में तरह तरह की कमियां आ जाती हैं। झूठा भी होगा, दगाखोर होगा, चरित्रहीन होगा, कायर होगा स्वभाव से, ना उसका कभी खुद का घर बनेगा, शादी नहीं होगी, और होगी तो शादी उसकी जो मैरिज लाइफ होगी वो भी बहुत ही ज्यादा कलहयुक्त होगी। अंदर से वो अशांत होगा और जितने के जीवन में जुड़ेगा उनकी जिंदगी को भी वो अशांत कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मंगलवार के दिन ही आप इस चौपाई का स्मरण करना शुरू करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। इन शब्दों को यदि आप हर मंगलवार सुबह, दोपहर, शाम बोलना शुरू कर दिया, आप देखेंगे आपके तमाम प्रकार के शत्रुओं का नाश होगा, आपके अंदर पराक्रम जगेगा। आप देखना दोस्तों, जो व्यक्ति पराक्रमी है, पराक्रम कब आता है? जब आप अंदर से शुद्ध है, साफ है, तब आपके अंदर ताकत जन्म लेती है। जब आप अंदर से गंदे होंगे, दीनहीन मलिन होंगे, तो आप बाहर से भी कायर होंगे, झूठे होंगे, मक्कार होंगे,
घृणा के पात्र हो जाते हैं। आपके अंदर की जो शक्ति है वो आपके चेहरे पर दिखाई देने लग जाती है। ये चौपाई जो मैं आपको बता रही हूं, इसको आप किसी भी मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करें, लाल रंग के कपड़े पहने, हनुमान जी की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने आप बैठ जाएं, या मंदिर में चले जाएं, मंदिर में भी जाकर के आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तुलसी की माला लेकर के 108 बार आपको इस चौपाई का जाप कर लेना है। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये वेद ने कहा है कि जिसका नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है वो नाम है शत्रुघ्न। आपको 108 बार इसको बोलना है और हनुमान जी के सामने दो फूल वाली लौंग, थोड़ा सा गुड़ और घी, इसकी आपको आहुति दे देना है। इसके बाद जब भी आपके सामने कोई भी शत्रु आता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, आप इस चौपाई को बोलना शुरू कर दें। कई बार ऐसा होता है हमारी फीलिंग्स पर हमारा काबू नहीं होता, बाहर के शत्रु तो हमको दिखते हैं, अंदर के शत्रु नहीं दिखते। जब भी आपको ऐसा लगता है आप कोई लिमिट क्रॉस करने जा रहे हैं, जलन की, ईर्ष्या की, मोह की, मकारिता की, कोई भी, आप सिर्फ इस चौपाई को बोलना शुरू करें। आपके अंदर के भी शत्रु मरेंगे और आपके बाहर के भी शत्रु अपनी ताकत खो बैठेंगे। करके देखिए इस उपाय को और कोशिश करें हर मंगलवार जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप इन शब्दों को बोलते रहें। कुछ ही दिनों में आपको इसका इफेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू कर दें, हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दें। कोशिश करें हनुमान जी के मंदिर में नंगे पैर जाएं, उन्हें तेल सिंदूर अर्पित करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्णा।